कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है और आप यही सोच रहे होंगे कि इन छुट्टियों में आप क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको फ्रेंच सिखाने वाली हूँ। ये हमारी फ्रेंच क्लास है, इसमें मैं आपको बेस समझाऊंगी। मीन्स अगर हम बेस समझेंगे तो हमारी जो फ्रेंच है वो मजबूत हो जाएगी और हम फ्रेंच लैंग्वेज को आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो आप किसी भी टूरिस्ट से आसानी से बात कर सकते हैं और उनकी भाषाओं को समझ सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको हम समझेंगे अल्फाबेट से। सबसे पहले हमें अल्फाबेट समझना होगा, तभी हम इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीख पाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फाबेट और यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी फ्रेंच लैंग्वेज, मीन्स इसका फ्रेंच कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ए फॉर एरोप्लेन, तो यहाँ पे ए फॉर होगा एवियन। यहाँ पे एवियन का मीन्स होता है एरोप्लेन। बी फॉर बैटियो, बैटियो मीन्स होता है बोट। यहां पर सी फॉर चॉकलेट, चॉकलेट मीन्स होता है चॉकलेट। डी फॉर ड्रेपियो, ड्रेपियो मीन्स होता है फ्लैग। तो अभी आपको यहां पे कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे ये फ्लैग एफ से स्टार्ट हो रहा है और जो ये यहाँ पे है डी, और ड्रेपियो डी से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो फ्लैग है वो एफ से क्यों स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इन इंग्लिश वर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंच सीख रहे हैं, तो फ्रेंच में जो वर्ड यहाँ पे होगा वही वर्ड यहाँ पे होगा, हमें इन इंग्लिश वर्ड से कोई भी मतलब नहीं है। ई फॉर होगा इकोल, इकोल मीन्स होता है इंग्लिश में स्कूल। एफ मीन्स होगा फ्योल, फ्योल मीन्स होता है यहां पर लीव। और अगर आप इसे प्रोनाउन में करेंगे तो यहां पर होगा वीएस एड हो जाएगा, तो यहां पे ईएस एड हो जाएगा, मीन्स यहां पे होगा फ्योल्स, यहां पे होगा लीव्स। अब जी, जी फॉर ग्रेस, ग्रेस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं आइसक्रीम। यहां पे है एच, एच को हम यहां पे कहेंगे होमे, होमे मीन्स होता है मैन। यहां पे है आई, आई को जब हम फ्रेंच में कहेंगे वो हम अपनी आम भाषा में भी यूज करते रहते हैं कभी कभी, जिसे हम कहते हैं इमेज, इमेज मीन्स होता है पिक्चर। इमेज वर्ड को हम वैसे यूज करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। यहां पे है जे, जे फॉर होगा जार्डन, जार्डन मीन्स होता है गार्डन। यहां पर आते हैं, यहां पे होगा के का मीन्स होगा कंगोरो, कंगोरो मीन्स होता है कंगारू, जो कि एक एनिमल है। एन मीन्स होता है लियोन, लियोन को हम कहते हैं मून। एम मीन्स होता है मॉन्ट्रे, मॉन्ट्रे को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं वॉच। सो फ्रेंड्स, यहां पे लिखे हैं फ्रेंच वर्ड्स और यहां पे लिखे हैं इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पे हमने ए से लेकर एम तक के अल्फाबेट्स पढ़े हुए हैं। हम अपनी आगे वाली क्लास में ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे और उनके फ्रेंच में सेंटेंस भी पढ़ेंगे, ताकि आप इन्हें क्लियरली समझ सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट जरूर शेयर कीजिएगा, और इन फ्रेंच वर्ड्स को आप इजिली समझ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ए से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट्स के सेंटेंस हम आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आपको मेरे ये फ्रेंच वर्ड्स अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग फ्रेंच सीख सके। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये फ्रेंच लैंग्वेज कैसी लगी।